जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पुष्प यानी फूल के बारे में समझते हैं, जो पौधे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है पुष्प। इसके पूरे स्ट्रक्चर पार्ट वगैरह के बारे में कि पुमंग क्या होता है, जयांग क्या होता है, बाह्य दल पुंज, पुष्प वृंत क्या होता है, तथा रात में खिलने वाले जो है ना जितने भी फूल होते हैं ना वो ज़्यादातर सफ़ेद होते हैं और ज़्यादा सुगंधित होते हैं, तीन सब के बारे में समझते हैं। टोटल डिटेल से नॉलेज हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पुष्प जो है ना, इसे हम लोग ना बायोलॉजी के टर्म में जो है ना इसे पुष्प कहते हैं और इसी को फूल कहा जाता है हिंदी के टर्म में, और इंग्लिश में आपको पता ही है फ्लावर कहते हैं। देखिए जो फूल होता है ना यानी पुष्प, ये एक तरह से ना पौधों के पत्तियों तना शाखाओं के अक्ष से निकल करके और ये जो है विकसित होता है, और विकसित होकर के पौधों में मुख्य काम करता है जनन का। अब यहाँ से ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बल्कि एक तरह से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा था कि जीवन चक्र के हिसाब से यानी जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, तो पुष्प यानी फूल। देखिए आपको हम दो बताए थे ना, लीफ वाले वीडियो में आपको बताए थे ना कि पौधे का दो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, एक होता है लीफ यानी पत्ती और दूसरा होता है फ्लावर यानी पुष्प। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, चलिए थोड़ा सा बता दे रहे आपको। जो लीफ होता है ना वो पौधों को विकास करने में भोजन के हिसाब से भी वो महत्वपूर्ण भाग होता है, तो जो पौधे का जो है ना ग्रोथ वगैरह भोजन बनाने के हिसाब से देखा जाएगा ना, तो पौधों में सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, लीफ। लेकिन अगर जीवन अस्तित्व के बाद आ जाएगा कि पौधों के अस्तित्व के अनुसार जो है ना पौधे में सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, तो उसे हम बोलते हैं पुष्प यानी फूल होता है, क्योंकि यही जो है ना जनन करके यानी पौधे का यही एक हिस्सा है फूल, यही जनन करता है यानी रिप्रोडक्शन करके, और यही अगले जो है ना यानी फल वगैरह का निर्माण करता है और फल में बीज बनता है, और उसी बीज से जो है ना अगले पौधे का उत्पत्ति होता है। तो जीवन बचाने के हिसाब से, अस्तित्व के हिसाब से यानी जीवन चक्र के हिसाब से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पुष्प यानी फूल, इतना समझ लिए। देखिए स्टडी ऑफ फ्लावर जो है ना इसे हम बोलते हैं एंथोलॉजी, यानी फूल के बारे में अध्ययन करना इसे बोला जाता है एंथोलॉजी। लेकिन अगर आपसे कहा जाएगा ना कि फूल के खेती करना यानी फूलों की खेती को क्या बोलते हैं, तो फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती, स्टडी ऑफ फ्लावर यानी एंथोलॉजी, और इसी में कौन चीज आता है ना, देखिएगा ना कि डायरी वगैरह पर बड़ा लिखा हुआ आता है ना एंथोफाइल, एंथोफाइल लिखा हुआ आता है। एंथोफाइल का मतलब होता है ना कि जो लोग फूल से ज़्यादा प्रेम करते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, चाहते हैं, उस लोग बोलते हैं एंथोफाइल, उस आदमियों को ग्रुप को बोलते हैं एंथोफाइल। तो कहेगा ना कि फूलों से प्यार का कहलाता है तो एंथोफाइल, फूलों की खेती क्या बोलते हैं तो फ्लोरिकल्चर, और स्टडी ऑफ फ्लावर या इसको बोलते हैं एंथोलॉजी। तीनों को ध्यान से रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब देखिए फूल का मुख्य काम क्या है, जनन करना, यही पौधे में जो है ना जनन करके और नेक्स्ट जो है ना पौधे की उत्पत्ति करता है। अब यहाँ से दो चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ सबसे विश्व का सबसे छोटा फूल जो है ना उसे बोलते हैं उल्फिया। उल्फिया जो है ना सबसे छोटा फूल है, ये जो है जलीय पौधा है उसी में फूल लगता है उल्फिया, तो विश्व का सबसे छोटा फूल है उल्फिया। और कहेगा ना कि विश्व का सबसे बड़ा फूल क्या होता है, तो वो होता है ना रेफलेसिया। देखिए रेफलेसिया ना ऐसे लाल कलर का आता है, इसका साइज जो है ना बहुत बड़ा होता है रेफलेसिया का, लगभग इसका व्यास जो है ना 3 फीट होता है, और इसमें जो स्मेल आता है ना वो एक तरह से सड़े लाश की जैसा आता है, लगता है कि आदमी ना डेड बॉडी मर गया है, और उसके जो बदबू आता है ना उसी की जैसा इसकी महक होती है रेफलेसिया की। इसीलिए रेफलेसिया में जब भी वहाँ पे लोग जाते हैं ना उसको देखने के लिए तो मास्क का ऐसे प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि उसका बदबू जो है ना सड़े लाश की जैसा आता है, तो बदबू इसका स्मेल जो बहुत ख़राब है। तो विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है ना वह है रेफलेसिया, ये लगभग 3 फीट का इसका व्यास होता है। 3 फीट मतलब समझ लीजिए जितना होगा ना 3 फीट उतना ही इसका व्यास है। इसका वजन जो है ना लगभग जो है ना यानी पूरा व्यस्त हो जाता है ना बड़ा, उस समय इसका वजन जो है ना 40 केजी का होता है। जैसे देखिएगा ना कि फूल वगैरह का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे दूल्हा वगैरह में जब बारात वगैरह जाता है ना ऐसे दूल्हा को ऐसे ना परछावन किया जाता है फूल डाल डाल के, ऐसे क्या होता है ना कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अगर जो है ना उसी के जगह पे रेफलेसिया को ऐसे उठा करके 40 केजी का आ लीजिए धाए दे से पटक दीजिए और तब कहिए बहारो फूल बरसाओ, पता चला दूल्हा जो है ऐसे दबा के बेचारा ऐसे ही मर गया, फूल बरसाते रह जाएगा। तो रेफलेसिया जो है ना सबसे बड़ा फूल है क्या, विश्व का, ये सबसे बड़ा है 3 फीट का, इस खिलता है ना 3 फीट आता है इसका लंबाई। ये देखिए फूलों में इसको बता दिया आपको, मेल फूल को हम लोग बोलते हैं ना पुमंग,
जैसे फूल में जो है ना मेल और फीमेल दोनों होते हैं, कुछ फूल में जो है ना मेल फीमेल एक ही में होते हैं और कुछ फूल में अलग अलग होते हैं। इसको डिटेल सर आपको आगे इसी वीडियो में बताएंगे ना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी फूलों के रचना के बारे में, तो उसमें आपको बता देंगे पुमंग जयांग क्या होता है। मेल जो फ्लावर होता है ना उसे हम लोग बोलते हैं ना पुमंग, इंग्लिश में इसको एंड्रोसियम बोला जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ना पुंकेसर, पुमंग कहिए या पुंकेसर कहिए दोनों एक ही है। और फीमेल फूल जो होता है ना उसे बोलते हैं गाइनेशियम, जिसे जयांग कहा जाता है, इसी को पिस्टिल भी कहा जाता है, पिस्टिल यानी गाइनेशियम जयांग। ये क्या है, फीमेल पार्ट है फूल का और ये जो है ना मेल पार्ट है, ये जनन है एक तरह से रिप्रोडक्टिव अंग है, ये मेल पार्ट ये फीमेल पार्ट। चलिए समझ गए इतना आप, ये फूल का यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रक्चर है। अभी इसका स्ट्रक्चर में हम अंदर बताएंगे कि कहाँ पे कौन क्या है। बेसिक तो आप समझ लिए होंगे कि फूल वगैरह क्या करता है, तो फूल मेन क्या करता है, रिप्रोडक्शन का काम करता है। अब चलिए इसमें हम समझते हैं पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी फूल के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, तब तक आप इसका ना स्क्रीन शॉट एक ले लीजिए ताकि आपको याद रहेगा आगे काम आएगा। देखिए फूल के मुख्यतः जो है ना चार संरचनाएं मुख्य रूप से होती है। पहला होता है बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, दूसरा होता है दलपुंज यानी कोरोला, और तीसरा होता है पुमंग यानी एंड्रोसियम, और चौथा होता है गाइनेशियम यानी जयांग। तो फूल के मुख्यतः जो है ना चार पार्ट्स होते हैं, बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनेशियम, इसी को हम लोग ना पिस्टिल भी कहते हैं, आपको बता दिए अभी पिस्टिल इसी का नाम है जयांग का। अब चलिए इसका ना हम फूल से समझते हैं इधर से कि नीचे से इसका कौन क्या नाम है। देखिए सबसे जो आपको नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है ना डंठल, ये डंठल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ना पुष्प वृंत, इंग्लिश में इसको बोला जाता है पेडिसेल, पेडिसेल या इसी को पुष्प वृंत कहा जाता है, इसको पुष्प वृंत कहिए या इसको केवल वृंत भी कहते हैं। बात देखिए यही जो है ना तना से जुड़ा होता है, ये लगभग हरा होता है, जैसे आप गुलाब का फूल पकड़ के ऐसे और किसी को नहीं देते ऐसे गिफ्ट वगैरह देते हैं कि हैप्पी बर्थडे या जो भी बोलना होता है, तो आप जो है ना इसी पेडिसेल को पकड़ते हैं, इसी पुष्प वृंत को यानी डंठल को पकड़ते हैं। तो ये जो है ना पुष्प का डंठल वाला भाग होता है, यही जो है ना भोजन वगैरह देता है किसको, पुष्प को भोजन वगैरह खनिज पानी वगैरह यही देता है डंठल। और ये जो है ना लगभग हरा होता है, ये तने से ही जुड़ा होता है डंठल यानी पेडिसेल। अब इस डंठल से जैसे आगे आएंगे ना तो देखिए ये जो है ना आपको दो पत्ती दिख रही है ना, ये हरे रंग की होती है, हालांकि ये काला बनाया गया है बल्कि जो है ना हरे रंग की होती है। ये हरे रंग की जो पत्ती है ना इसे बोलते हैं हम लोग ना बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, इसी को बोला जाता है कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज, यहाँ पे हिंदी लिखे हैं बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स। देखिए कैलिक्स जो होता है ना वो हमेशा हरा रंग का ही होता है, जैसे आप सिंपल सा देखिएगा एग्जाम्पल में कि जो फूल होता है ना जब वो कली की अवस्था में होता है यानी ब्लॉसम कली बर्ड, तो उस समय जो है देखिएगा ना कि फूल के ऊपर ना ऐसे हरे हरे कलर का ना ऐसे कवर होता है, यानी पत्ती जैसा कवर चढ़ा होता है, उसी हरे कलर के पत्ती को हम बोलते हैं ना बाह्य दलपुंज। बाह्य मतलब बाहरी और दलपुंज मतलब पूरा की तरह से क्या है ग्रुप में है, तो उसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। और उसके एक पत्ती को जो है ना हम बोलते हैं सेपल, जैसे बोला जाएगा ना कि जैसे देखिए ये आपको दिख रहा है ना बाह्य दलपुंज, ये पूरा हरा है, ये पूरा जब ग्रुप में रहेगा इसे हम बोलेंगे बाह्य दलपुंज, और इसके केवल एक पत्ती को आप तोड़ लीजिएगा ना इसको बोलेंगे हम लोग ना सेपल, सेपल यानी एक होगा तो इसको बोलेंगे ना बाह्य दल, सेपल को बोलते हैं बाह्य दल, ये छोड़िए सेपल को आप याद रखिएगा कैलिक्स को। यही जो इसका देखिए इसका काम क्या है, तो जब कैलिक्स होता है ना ये फूल को कढ़ी की अवस्था में यानी कली की अवस्था में जो है ना भोजन देता है, भोजन वगैरह और बाहर कीट वगैरह से रक्षा करना इसी बाह्य दलपुंज का काम होता है, जो हमेशा क्या होता है हरा होता है। तो अभी समझ लिए कि बाह्य दलपुंज क्या होता है। देखिए ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये वाला देखिए जैसे ही जो पेडिसेल आपको दिख रहा है ना पुष्प वृंत, जैसे आगे आएगा ना तो आगे ऊपर चल के ना ऐसे ना थोड़ा चौड़ा हो जाता है, ऐसे गठीला ऐसे चौड़ा हो जाता है, यानी ये वाला हिस्सा आप देखिए जो हिस्सा दिख रहा है ना ये जिसको हम पेंट किए हैं, देखिए ध्यान से इसी छायांकित भाग दिख रहा है ना ये गोले से, इसको बोलते हैं ना थैलेमस यानी पुष्पासन। पुष्पासन मतलब होता है ना पुष्प जिस पे रखा होता है ना फूल, यानी पुष्प का आसन, आसन मतलब कि बैठने वाला, आसन ग्रहण करने वाला, तो इसे बोला जाता है ना थैलेमस, थैलेमस या पुष्पासन इसे बोलते हैं, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसको थैलेमस, पुष्पासन इसे बुलाता है थैलेमस को। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा था कि फूल का आधारीय भाग, आधारीय भाग समझ रहे ना, पुष्प का आधारीय भाग को क्या बोलते हैं, तो पुष्पासन। देखिएगा ध्यान से इसमें दो बार इसमें ना दो क्वेश्चन पूछता है, दोनों में कंफ्यूजन करता है, आप यहाँ पे फंस जाइएगा।
कहेगा कि पुष्प के आसन को क्या बोलते हैं, यानी पुष्प के आधारीय भाग को क्या बोलते हैं, तो थैलेमस यानी पुष्पासन, जिसपे फुलवा ना टिकल रहता है, बैठल रहता है। और इसी को थोड़ा सा ना डीपली पूछ देगा कि इसको बोलेगा ना कि जयांग का, यानी जयांग ना गाइनेशियम यानी फीमेल पार्ट, तो जयांग का आधारीय भाग का होता है, इसका होता है अंडाशय। अभी इसको आगे ही बता रहे हैं, जयांग का आधारीय भाग को बोलते हैं अंडाशय, और पूरा फूल का बोलेगा ना कि आधारीय भाग क्या होता है, तो उसको बोलते हैं ना पुष्पासन यानी थैलेमस। इतना समझ लिए, चलिए आगे समझते हैं। इस थैलेमस से देखिए, ये बाहर आपको दिख रहा है ना, जिसपे देखिए हम मार्कर चला रहे हैं ना, उसको ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा जो इसे पंखुड़ी जिसको बोलते हैं आप, ऐसे रंग बिरंग का ही ना होता है फूल का रंग, किसके निर्धारण होता है इसी ना रंग बिरंग का जो होता है ना बाहर का पंखुड़ी, उसी से इसी पंखुड़िया को हम लोग बोलते हैं ना, इसको बोला जाता है दल पुंज, दल पुंज यानी इसे बोला जाता है कोरोला, कोरोला इसे बोलते हैं दल पुंज। ये पूरा सिस्टम को बोलते हैं ना दल पुंज, दिख रहा है ना पंखुड़िया को, जैसे फूल का जो पंखुड़ी होता है ना, जो लाल उजला पियर जो भी होता है ना, यानी सीधा समझिए ना कि जो फूल का जो रंग प्रदान होता है ना, वो रंग किसके वजह से आता है, इसी दल पुंज की वजह से आता है। इसके देखिए, इसके पूरे ना ग्रुप को लोग बोलते हैं ना, जितना आपको रंग बिरंग का दिखता है ना फूल में, वो सारा क्या होता है दल पुंज यानी कोरोला। और उसका आप एक को तोड़िएगा ना, जैसे गुलाब का फूल ले लीजिएगा, और गुलाब का ऐसे फूल को ऐसे तोड़ तोड़ कैसे फेंकेगा कि बहारो फूल वर्षा हो, रिफ्लेक्शन नहीं फेंकना है, एक गुलाब का पंखुड़ी से तोड़ तोड़ के, तो जो पंखुड़ी को तोड़ते हैं ना उसको बोलते हैं हम लोग ना, इसी दलपुंज का एक हिस्सा होता है जिसको बोलता है ना पीटल, पेटल इसको बोला जाता है, इसी को पीटल बोला जाता है, पेटल इसी को पढ़ते हैं, यानी एक दलपुंज क्या है वह हिस्सा, इसी को बोलते हैं ना पेटल पंखुड़ी को, इसी को हिंदी में बोला जाता है पंखुड़ी। तो पूरा ग्रुप को बोलेंगे ना, जो पूरा रंग का होता है उसको बोलते हैं दलपुंज, और उसका एक तोड़िएगा ना पत्ती को पंखुड़ी, उसको बोलते हैं पेटल। इसी से जो है ना फूल की जो है ना रंग की पहचान होती है, यही रंग प्रदान करता है। अब इसका काम क्या है, देखिए इस दलपुंज का काम ये है ना कि ये फूल को जो है ना कीटों को जो है आकर्षित करता है, हमें और आपको फूल, आप क्या देखिए, हम लोग जो है ना फूल को रंग को देख करके आकर्षित होते हैं। पहले आपने दूर से फूल के रंग को देखता है कितना आकर्षित दिखता है, कि लाल है पीला है येलो है ऐसे दिखते हैं ना, तो उसके रंग को हम देख के पहले उसके तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। तो यही दलपुंज जो है ना हमें अट्रैक्टिव करता है, यही फूल का रंग प्रदान करता है। इसके साथ साथ देखिए, हमें अट्रैक्टिव करने के लिए नहीं ऐसे लगा हुआ है, इसका मेन काम क्या है, कीट को बुलाना, ताकि जो है ना इसमें रिप्रोडक्शन हो सके, पॉलिनेशन हो सके, परागण। अब इसमें नेक्स्ट में आपको बताएंगे परागण क्या होता है। तो परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है कौन, दलपुंज जिसे बोलते हैं कोरोला, और इसके एक हिस्से को पीटल बुला जाता है। अब देखिए दलपुंज हो गया, अब इसमें आपको दिख रहा है ना लंबा लंबा ऐसी संरचना, ये ऐसे लंबा लंबा कटोरी वाला दिखा है ना, इसको बोलते हैं लोग ना एंड्रोसियम, इसे बोला जाता है पुमंग, पुमंग इसको पुंकेसर बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का कई भाग होता है, ऊपर वाला को बोलते हैं ना पराग कोशिका में परागकण होते हैं, इसको बोलते हैं फिलामेंट लंबे वाला रस्सी को, और नीचे जो होता है इसको बोलते हैं कनेक्टिव यानी जोड़ने वाला संयोजी। ये भी क्या है, पुमंग है, सेम सेम दोनों है, ये फूल का जो है ना मेल पार्ट है यानी मेल ऑर्गन है। और आपको ये बीच वाला दिख रहा है ना, देखिए ध्यान से, ये वाला ऐसे दिख रहा है बीच वाला हिस्सा, ये पूरा ऐसे, इसको बोलते हैं ना, इसको बोला जाता है गाइनेशियम यानी जयांग, इसी को आप पिस्टिल भी कह सकते हैं, जयांग इसको बोला जाता है, पूरे को बोलते हैं जयांग, पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, पूरे को जयांग बोलते हैं। अब इसके भी तीन पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, स्टाइल यानी वर्तिका, और नीचे होता है ओवरी यानी अंडाशय, तीन तीन पार्ट होता है, अभी इसमें आगे चर्चा कर रहे हैं। तो पहले आप फूल के नाम समझ लिए, अब एक एक करके ना हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, ताकि आपको डिफिनेशन भी लिखना होगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसका हम चारों का डिफिनेशन आपको बता दे रहे हैं। अब हम इसके एक एक पार्ट्स के डिफिनेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, ताकि ये भी जो है ना आसान हो जाएगा। देखिए आपको हम बता दिए कि फूल के जो है ना मेन चार पार्ट होते हैं, बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, दलपुंज यानी कोरोला, और पुमंग यानी एंड्रोसियम, और जयांग यानी गाइनेशियम, ये चार पार्ट होते हैं। देखिए एक एक करके समझिए इसका डिफिनेशन, अगर अभी देख लीजिए, बाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है जो हरा होता है, और ये पुष्प को कली की अवस्था में यही जो है भोजन प्रदान करता है, सुरक्षा भी करता है दूसरे कीट वगैरह से, ये बाह्य दलपुंज है। देखिए बाह्य दलपुंज जो होता है ना, ये पुष्प का जो है ना एसेसरी पार्ट होता है, एसेसरी पार्ट मतलब होता है ना कि अनावश्यक अंग या सहायक अंग कहा जाता है। जैसे देखिए इस दल बाह्य दलपुंज और ये दलपुंज, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं ना एसेसरी ऑर्गन यानी सहायक अंग, या इसे
अनावश्यक अंग भी कहते हैं पुष्प का। ये दोनों जो है ना अनावश्यक अंग है, और जो मेन वास्तविक जो भाग होता है ना वह है पुमंग और जयांग। सोचिए कैसे, जैसे जो बाह्य दल पुंज होता है ना, इसका काम क्या है, कलिक अवस्था में जो है ना फूल वगैरह को सुरक्षा दे देना और भोजन दे देना। इस दलपुंज का काम क्या है कि कीटों को आकर्षित करना, रंग देना, ताकि कीटों जो आकर्षित होकर के आए, ताकि परागण क्रिया हो पाए। अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा जो है ना ये अनावश्यक पार्ट है फूल में, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। लेकिन मुख्य जो काम होता है इनसे तो केवल हेल्प हो रहा है कि एक कीट को बुला देता है दलपुंज, ये दलपुंज जो है ना ये कीट को बुला देता है, और ये जो कैलिक्स जो है ना ये शुरू शुरू में कलिक अवस्था में जो है ना सुरक्षा दे दे रहा है। ये थोड़ा बहुत ही काम करते हैं, सहायता करते हैं। मेन जो काम होता है ना फूल में वो रिप्रोडक्शन का काम होता है, यानी जनन का। अब जनन का काम होगा तो ये दोनों तो जनन काम करेंगे नहीं, इनसे तो हुक्म नहीं करेगा, ये केवल सहायता कर देंगे। मेन जो जनन होता है ना वह पुमंग और जयांग, इन्हीं दोनों की वजह से होता है। पुमंग में जो है ना परागकण बनते हैं, और ये जो जयांग है ना इसमें जो है ना फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है, तो इसी के थ्रू जो है ना जनन होता है। इसीलिए जो है ना पुमंग और जयांग को हम लोग ना फूल का वास्तविक पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट, क्योंकि यही जो है ना जनन करते हैं। और ये दो जो है ना बाह्य दलपुंज दलपुंज जैसे ना बोलते हैं ना फूल का एसेसरी ऑर्गन यानी अनावश्यक भाग। तो बाह्य दलपुंज ये हरा कलर का होता है, ये भोजन वगैरह देता है, पढ़ लीजिएगा। दलपुंज जो है ना ये पुष्प का रंगीन भाग है जो दो से छः दलों में बना होता है। दल को बोलते हैं हम लोग पेटल, पेटल समझ ना पंखुड़ी। तो दल को एक दल को यानी देखिए दो होगा नहीं तो छः होगा। और ये जो दलपुंज होते हैं ना ये कभी कभी ऐसे सटे भी होंगे पूरा एक में, किसी किसी फूल में से सटा होता है बाह्य दलपुंज, और किसी किसी में से टूटा होता है। जिस फूल में ना दलपुंज जो है ऐसे सटे होते हैं पूरा पूरा ऐसे सट जाता है, जैसे देखिएगा ना आप कनेर वगैरह का फूल देखिएगा पूरा ऐसे सट जाता है, उसे बोलते हैं ना संयुक्त दलीय। और कुछ कुछ ऐसे फूल में होता है ना कि इसका जो दलपुंज होता है ना ये फ्री होता है, मतलब कि अलग अलग होता है, उसे बोलते हैं पृथक दलीय। जैसे आप देखिए ना बता रहे हैं गुलाब का फूल देखिए ना, गुलाब में एक जो है ना पंखुड़ी होता है, तो क्या है अलग अलग पृथक है, उसको बोलेंगे ना पृथक दलपुंज या दलीय। ये दो से छः दलों में होता है, ये कीट को परागण के लिए आकर्षित करता है। उमंग ये जो है ना फूल का वास्तविक भाग है, ये नर भाग है, इसके ये कई पुंकेसर से मिलकर बना होता है। देखिए उमंग और पुंकेसर दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। पुमंग जो होता है ना वो फूल के पूरे मेल पार्ट को मिला के बोलते हैं पुमंग, और पुमंग में कई गो ऑर्गन आ जाएंगे। जैसे आपको लंबे लंबे दिख रहा है ना ये तंतु, इसको बोलते हैं पुंकेसर, पूरा इस लंबे रस्से को दिख रहा है ना पेड़ के जैसा, इसको बोलते हैं पुंकेसर। और ऐसे कई कई पुंकेसर मिलकर के एक पुंकेसर में कई चीज़ होता है, जैसे एक पुंकेसर में ऐसे पराग को कोष पराग और पराग कण इसमें होते हैं, तंतु संयोजी होता है, कई चीज़ से मिल करके एक पुंकेसर बनता है, और कई पुंकेसर से मिल करके ना पुमंग यानी फूल का मेल ऑर्गन बनता है। बस मारे ना आपको, तो पुमंग जो है ना पूरा फूल का मेल ऑर्गन को बोलते हैं, उसमें कई चीज़ होता है। जैसे देखिए ना बता रहे आपको कि जो ह्यूमन है ना यानी हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य में भी क्या है मेल है और फीमेल है। अब बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो जैसे हम लोग हैं मेल, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कई ऑर्गन आता है, ऐसा थोड़ा है केवल जो है ना टेस्टिस से आता है, ऐसा नहीं है, टेस्टिस भी उसी में आता है, ब्रिस और उसी में पेनिस आता है, उसी में प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, वैस डिफरेंस आता है, नस, ये सारे चीज़ मिलकर जो है ना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन रहा है। ठीक उसी तरह फूल में जो पुमंग है ना यानी एंडोसियम, वो कई जो है ना एस्टामेन यानी ऐसे कई एस्टामेन के से मिल करके जो है ना बनता है पुमंग। तो आप समझ लिए मेल पार्ट को पुमंग बोलते हैं। अब हम लोग ना पहले इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए, अब हम आपको बताते हैं ना एक एक करके इसका डिटेल समझते हैं कि ये जो पुंकेसर हैं और ये जो पूरा एंडोसियम गाइनोसियम वगैरह है इसका पूरा हम लोग डिटेल से समझते हैं कि इसका अंदर क्या होता है, कितने संरचना वगैरह होते हैं इसके बारे में। तब तक पहले आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए।